हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर भरत माखीजा। आइए जल्दी से देखते हैं कि अगर आपने हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है तो उसको यूज़ कैसे करना है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसको यूज़ कैसे करना है। जल्दी से ऐप ओपन कीजिए और आपने जो भी कोर्स परचेज किया हुआ है वो आपके हमारे होम स्क्रीन पे दिखेगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे होम स्क्रीन पे दिख रहा है परचेज्ड कोर्सेज और उसके अंडर में कोर्स दिख रहा है CRT मीन्स कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। पर हो सकता है कि आपने कोई और कोर्स हमारे ऐप पे परचेज किया हो, जैसे कि न्यू GCOE M1। तो कोई भी कोर्स हो, कैसे यूज करना है वो जनरलाइज मैं आपको बता देता हूँ। आपके होम पेज पे जो भी परचेज्ड कोर्सेज दिख रहा है उस पर क्या क्लिक कीजिए, रिज्यूम पे क्लिक कीजिए। रिज्यूम पे क्लिक करने के बाद हर बार आप क्या कीजिए, ऊपर कंटेंट पे क्लिक कीजिए। कंटेंट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स दिख रहे हैं। सपोज मैं ये किसी फोल्डर में गया क्वांटिटेटिव में, तो देखिए यहाँ पे जो भी वीडियोस दिख रहे हैं, जैसे पहला वीडियो दिख रहा है टाइम एंड वर्क पार्ट 1, सेकंड वीडियो दिख रहा है टाइम एंड वर्क पार्ट 2। अब ये सभी लेक्चर्स आपके अनलॉक हो गए हैं क्योंकि आपने कोर्स परचेस कर लिया है। पर देखिए हर एक वीडियो के नीचे व्यूज अलाउड 4 लिखा हुआ है। अब इसका मीनिंग ये होता है कि आप एक लेक्चर को मैक्सिमम 4 बार प्ले कर सकते हो। इट मीन्स कि जब आप पहली बार इसको प्ले करोगे तो आप उसको कितनी देर भी देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फॉरवर्ड बैकवर्ड बैक जा सकते हो, ठीक है। पर जब आप पहली बार वीडियो देखोगे तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पहले व्यू के साथ साथ क्या कीजिए, नोट्स भी बना लीजिए। जैसे मैं वीडियो लेक्चर में भी बोलता हूँ कि हमारा बोर्ड फिलअप हो गया है, अब आप कॉपी कर लीजिए। पहले व्यू के साथ आपको कंटेंट्स बनाने हैं, आगे के व्यूज आपको रिवाइज करने के लिए काम आएंगे। जैसे अगर हम बात करें GCOE M1 की, तो भाई आगे हमारी MSc होती है, TA के मार्क्स होते हैं और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होती है, तब आपको व्यूज काम आएंगे। और हमारे इस वीडियोस में स्पीड भी होती है, मींस जब आप वीडियो को रिवाइज करने के लिए देख रहे हो तो आप 2 की स्पीड पे या 2.5 की स्पीड पे या 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हो। पर ये ऐप का यूज करते समय आपको 2 बातों का ध्यान देना है। फर्स्ट, कि आपके फोन में कभी भी सस्पिशियस एक्टिविटी नाम से एरर मैसेज नहीं आना चाहिए। अब ये सस्पिशियस एक्टिविटी एरर मैसेज कब आता है, ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है, अगर आप इस फोन में 2 लोग लेक्चर देखोगे, मींस अगर कोई वीडियो लेक्चर अगर 2 स्टूडेंट कंबाइनली देखते हैं, तो हमारा वो ऐप सस्पिशियस एक्टिविटी का एरर मैसेज देके क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर स्टूडेंट ने अपना सेपरेट लॉगिन लेना चाहिए। और एक एरर आता है वन डिवाइस लॉगिन का एरर। मींस आप अपना ये जो कोर्स है, मींस आपने अपने फोन पे ये लिया हुआ है, परचेज किया है, अब आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, OTP डाल के अपना ये लॉगिन किसी और फोन पे या लैपटॉप पे स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर, OTP डाल के किसी अदर फोन में अपना लॉगिन शुरू करने की कोशिश की, तो आपके फोन में एक वन डिवाइस लॉगिन का एरर आएगा और आपका लॉगिन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये सिक्योरिटी फीचर्स इसके लिए भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं, सो दैट हर स्टूडेंट ने अपना सेपरेट लॉगिन लेना चाहिए। तो आपको इस ऐप का कोई भी मिसयूज़ करना नहीं है। आप कंटेंट का स्क्रीनशॉट ना ही शेयर, आप ये सब नहीं कर सकते हो। आई होप आप इन बातों का ध्यान रख के पूरी पढ़ाई अपनी अच्छे से कंप्लीट करोगे। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है, बहुत सारे लोगों का पूछना रहता है कि सर ऑफलाइन डाउनलोड अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो अवेलेबल होते हैं। जैसे कि देखिए, मैं फिर से कोर्स में रिज्यूम में गया, अगेन मैं गया कंटेंट में, हर बार हमें ऐसे ही स्टार्ट करना है। हम गए किसी एक फोल्डर में, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये डाउनलोड का आइकॉन दिख रहा है लेक्चर के सामने। अगर मैंने यहाँ से वीडियो लेक्चर डाउनलोड किया तो वो इन ऐप डाउनलोड हो जाएगा। अब ये इन ऐप डाउनलोड हो गया, इसका मतलब क्या, तो हम एक ऐप के होम पेज पे आ जाते हैं और ये टॉप लेफ्ट में जो हमारे सेटिंग का ऑप्शन है उस पर क्लिक करता हूँ और देखिए मैं ऑफलाइन डाउनलोड्स में जाता हूँ। अब देखिए हमारे इस फोन में अभी तक हमने कोई लेक्चर डाउनलोड किया नहीं है, तो अगर आपके पास कॉलेज का वाईफाई अवेलेबल है तो आप कॉलेज में बैठ के लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप इंटरनेट ऑफ करके भी देख सकते हो। हाँ, फिर कोई स्टूडेंट हमसे पूछता है कि ऑफलाइन जो लेक्चर्स है, मींस डाउनलोडेड जो लेक्चर्स है, वो हम ऑफलाइन देख सकते हैं, तो उसमें व्यूज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्या? तो उसमें भी व्यूज़ का रिस्ट्रिक्शन है, तब भी आप लेक्चर 4 बार ही प्ले कर सकते हो, 4 से ज़्यादा बार प्ले नहीं कर सकते हो। आई होप कि आपको ये इथिकली कैसे यूज़ करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा कि उस ऐप में फेस डिटेक्शन का ऑप्शन होता है, कोई भी 2 लोग कंबाइनली या 3 लोग एक साथ कोई एक फ़ोन पे लेक्चर नहीं देख सकते हो। मींस अकॉर्डिंग टू फेस डिटेक्शन, डेली अगर सेम फेस लेक्चर देखता है तो ही वो ऐप आपका डेली चलते रहेगा। अदरवाइज अगर 2 लोगों ने कंबाइन लेक्चर देखा तो वो बंद हो जाएगा। सो दैट आप क्या कीजिए, इस बात का ध्यान रखिए और पढ़ना शुरू कीजिए। इसे जल्दी आप क्या कीजिए, अपना लॉगिन यूज़ करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई डिफ़िकल्टी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल कीजिए या डायरेक्टली हमारे इंस्टीट्यूट पे विजिट कीजिए, ठीक है, कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए।